जिंदा जी साढ़े एमसी साहब ने सरदार बहादुर सिंह जी दे लई जोरदार ताड़ियां मार दो प्लीज। मैं बहादुर सिंह जी का तेनंदी परबंसर जी का जी धर्मवीर गुप्ता जी साढ़े एडवाइजर ने जगदेव चंद पिंकी जी साढ़े मुख्य सलाहकार ने इस मंच के परंतु खुद कुछ करना भी तो महापाप है। भाई भाई तुम्हारा क्या नाम है? माता जी मैं प्रभु राम का एक मामूली सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो तुम्हें उनके पास कभी नहीं देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी, आपकी मौजूदगी में उनसे मिलाप नहीं हुआ था। जब वो आपकी खोज में जंगल में निकले तो महाराज सुग्रीव के यहाँ मेरे उनसे मुलाकात हुई। उसी समय मेरे प्यारे की मूर्ति, मेरी किस्मत की तरह तू भी मुझसे रुझी दीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और मुझे कोई अपनी निशानी भी दीजिए ताकि मैं प्रभु राम को दिखा सकूं। मैं इस वक्त हैरान हूँ कि तुझे क्या निशानी दूँ। ये चूड़ा मणि ले जाओ, भगवान को दिखा देना। मैं तो भूल ही गई मेरे प्राणपति का क्या हाल है। माता जी आप उनका हाल मत पूछिए, वो तो आपसे भी ज्यादा परेशान है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अमरजीत धमान, तुम देख रहे हो ए धमान चैनल। सो जिमें कि तुहानू असीं हर रोज़ कृष्णा मंडी कुराली दे विच रामलीला दे सीन दिखाने हैं। सो बहुत ही वधिया रामलीला हो रही है, ये गलबात कराने हैं इन्हां कलाकारां दे नाल कि की इन्हां दा कहना। तो मुनीश बर्मी जी जो कि श्री हनुमान जी का रोल कर रहे हैं, ये हनुमान जी का रोल करन दे नाल नाल इस रामलीला दे एक बहुत ही वधिया डायरैक्टर भी ने। सो इन्हां दी निर्देशना दे हेठ यह सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो आओ गलबात करते हैं आपां इन्हां एक्टरां दे नाल, इन्हां कलाकारां दे नाल। हाँ जी जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियापति राम चंद्र भगवान ने की जय, बोल पवन सुत हनुमान जी की जय। सो अपना पहला तो नाम दो जी। मेरा नाम मुनीश बर्मी है, तो मैं हनुमान जी का रोल पिछले 27-28 साल तो सेवा लगी हुई है प्रभु के आशीर्वाद नाल, तो वो निभा रहे हैं। मैं हमेशा गल करदा उन्हें अपने भरावान नाल, जिन्हें भी साढ़े कलाकार भरा ने, तो साढ़े बड़े वीर जी भी साढ़े नाले होंगे हमेशा, कि यह कुराली विच, कुराली विच नहीं पूरे हिंदुस्तान विच हर एक शहर चाहे छोटा चाहे बड़ा है, उत्थे हर एक शहर विच यह एक रामायण खुली हुई है, एक यग चल रहे हैं हर एक शहर। साढ़े कुराली शहर च भी यह यग होंदा है। ये असी जिन्हें भी कलाकार हैं 10-20-30-50 बंदे असी एक आहूतियाँ पा रहे हैं कि प्रभु ये थोड़ी रामायण है, साक्षात रामायण का पाठ चल रहा, ये विश्व कल्याण लई, साढ़े कुराली लई, सारे हिंदुस्तान लई, सारी दुनिया लई। तो असी परमात्मा के ही अरदास करते हैं प्रभु हनुमान जी अगे, श्री राम अगे, कि यह प्रभु ऐदा ही चलते रहन, ऐदा ही थोड़ा गुणगान गाते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जी। हाँ जी तुसीं श्री राम जी का रोल कर रहे हो बहुत सालों तो, पिछले सालों तो बहुत ही वधिया रोल निभा रहे हो कुराली दी जो है रामलीला, तो अज दे रोल बारे जां अज की कहना चाहुंदे हो तुसीं? जो अज दा रोल है, अज दा साढ़े डायरैक्टर साहब हैं मनीष वर्मी जी, उन्होंने 28 साल तो हनुमान जी का रोल कर रहे हैं। असी उन्होंने रोल में बड़ी दिलचस्पी नाल देखते हैं, हर उन्होंने रोल देखने तो बाद तुसी जजमेंट नहीं कर सकते भी ये हनुमान जी। सानू तो ऐ लगता भी साड़ी स्टेज पर सचमुच ही हनुमान जी आए हुए हैं। मेरे नाल तकरीबन उन्होंने रोल करते हुए 16-17 साल तो मेरे नाल भी हो गए, तो 28 साल उन्होंने हो गए। असी तो कहें भी प्रभु राम जी की कृपा
साढ़े दे ते साढ़े हनुमान जी दे हमेशा बनी रहे इस तरह ही ते वो साढ़े नाल इस तरह ही रोल करते रहे। जय श्री राम जी। हाँ जी, जो सुग्रीव दा रोल कर रहे ने अपना उन्हां नाल भी गलबात करते हैं। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुहाडा नाम? मेरा नाम चेतन शर्मा है जी। तो मैं धन्यवाद करना चाहता पहला तो एतिमान चैनल का जो कि साड़ी रामलीला का लाइव कवरेज करते हैं तो सानू सहयोग कर रहे हैं पहले दिन तो लेके हुण तक। तो इन्होंने बहुत अपना योगदान दिता साड़ी रामलीला दे विच। तो मैं धन्यवाद करना चाहता इन्हों दिलों। धन्यवाद। सो लक्ष्मण का रोल जो कि एक बहुत ही अहम रोल होंदा है तो बड़ा ही गुस्से वाला क्रोधित रोल होंदा है जिसनों निभाना भी बड़ा औखा है। सो जो नरेश कुमार नोना जी ने वो लक्ष्मण का रोल कर रहे ने जिन्हें ही वह सहज सुभा दे ने निघे सुभा दे ने पर रोल उस तो बिल्कुल उल्ट कर रहे ने विपरीत कर रहे ने। अपना उन्होंने नाल भी गलबात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। सो नोना जी की कहना चाहोगे तुसी आम पब्लिक नू जो कि नवी जनरेशन है अजकल वह अपने धर्म नू भुलदी जा रही है? देखो जी, साढ़े वेद ग्रंथा विच सब कुछ पिया है। अगर घर घर के अंदर साढ़े ये राम जी की फोटो लगाते हैं गीता जी का या रामायण जी का असं जो पाठ कराते हैं उत्थे भी असी अपने आस पड़ोस सारे पासे स्नेहे ला के किन्नी संगत कट्ठी करते वो सुनने का जद ही फायदा है। देखो जे असी उन्हां चीज़ां थोड़ा अमल करिए सानू करना भी चाहिए। बाकी हुण जो अज संगत उरे आ रही है दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बहुत जुड़ के तो इससे यह सानू महसूस भी हो रहा कलाकार सारे पता भी लग रहा है भी बहुत कराली के ज़्यादा लोग बहुत पुराने टाइम तो जुड़े चले ही आ रहे हैं और सेवा उन्होंने उन्होंने चल रही है अगे मंच है जो साड़ा चले रहा जी। हुण दिन पर दिन असी देख रहे भी संगत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अगे 11:30 तकरीबन निकल जाते थे हुण 12 तो उपर टाइम है सीन चल रहे हैं तो हुण भी संगत देखो बैठी एक ये प्रभु नाल प्यार है जी और वो बढ़ रहा है बढ़ रहा वो जो सानू दिखाई दे रहा हुण अगे क्योंकि असी स्टेज पर खड़ के दिखते जी दूर तक ऑडियंस प्रभु की संगत किन्नी दूर तक बैठी है। ठीक है जी, तो ये अगे कारवा होर बधेगा जी क्योंकि इस शहर के उपर प्रभु श्री राम जी की बहुत कृपा है। वैसे मैं दसना चाहूँगा भी दो चीज़ों नाले साडा कराली शहर जाने जाता है बाबा तनराज गिरी जी गसाइया वाले और दूसरा सतगुरु स्वामी जी महाराज नदी पर वाले। ठीक है जी, तो काफ़ी संत लोग टाइप इतने साढ़े जो परिजन रह रहे हैं बड़े अच्छे उन्होंने विचार हैं अपने गुरुजनों से भी यही सुनिया जिन्हें भी मंडी के भी इतने पुराने शाम को मंदिरों में इतने आरती असी भी शामिल कई बार होंगे जी बहुत प्रभु चरण नाल प्यार है। अज के टाइम में मैं फिर यही कहूँगा बहुत ज़्यादा साड़ा शहर प्रभु नूं बहुत ज़्यादा मनता है बहुत मन रहे तुसी नदी पर स्वामी दे जाके देख लो बाबा गसाई वाले देख लो इत्थे शाम नूं मंदिरों में देख लो तकरीबन संगत रोज़ हुंदी है। मैं मंगलवार हर मंगलवार अपना बस स्टैंड ते चौके बाबे दा डेरा जी उत्थे जांदा है उत्थे घट्टो घट्ट 250 बंदा हुंदा जी लेडीज़ जेंट्स बच्चे सारे आंदे मत्था टेकण जी हर मंगलवार तकरीबन रोज़े माता दीआं आरतीआं हो रही पूरा रश हुंदा है मतलब बहुत प्यार है बहुत प्यार है। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, आप गलबात करते हैं संदीप गुप्ता जी जो कि जिन्होंने असी प्यार दे नाल नोनी भी कहने हैं इन्होंने बहुत देर तो यह इस मंच के नाल ये जुड़े हुए ने। सो हुण एक दो साल तो यह कुराली तो आउट ऑफ ने पर फिर भी ये कुराली दे विच शमूलियत करते ने रामलीला दे विच बहुत ही वधिया ये एक्टर ने डायरेक्टर ने गलबात करते हैं संदीप गुप्ता जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सब तो पहला मैं धीमान चैनल अमरजीत धीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि जिन्होंने साड़ी इस रामलीला मैं फर्स्ट डे तो देख रहे हैं मेरे पास लिंक भी भेजते रहते हैं तो मैं अपने सारे सबसक्राइबर्स भी यह गल कहना चाहता है कि ये चीज़ प्रमोट करनी चाहिए है क्योंकि अगले आने वाली पीढ़ी में बच्चों इस चीज़ का पता लगना चाहिए है। प्रभु श्री राम की कृपा नाल मेरा छोटा वीर मनीष वर्मी जी जो कि मेरे नाल 92 तो असी इस मंच के नाल जुड़े हुए हैं और 1992 तो ही मनीष वर्मी जी लगातार समझ लो 36-37 साल हो गए कि इस मंच के नाल जुड़े होने और इन्होंने उसी दिन तो
प्रभु श्री राम के चरणों के हनुमान जी का किरदार बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। 17 साल के करीब साढ़े राम जी हो गए हैं और भैया लक्ष्मण जी को भी 14-15 साल हो गए हैं। और मैंने भी यहाँ इस मंच से अहल्या का, रावण का, मंथरा का और दशरथ बाली और भी कई किरदार मैंने इस मंच से निभाए हैं और भाई अमरजीत जी के साथ कई जागरणों में भी सम्मिलित की है और इनके साथ मैं एक्टिंग भी करता रहता हूँ। तो बहुत खुशी हुई आज यहाँ पर अपने शहर में आकर, क्योंकि 3-4 साल से मैं ज़रा अपने बिजनेस के मामले में बाहर हूँ। बट मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस रामलीला के मंच को पूरे देश के अंदर पहुँचाया है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय श्री राम। सो तुसी देखिया इतों की यह पूरी जानकारी रामलीला दे विच जो हर रोज़ तुहानू मिलती है, तो अज की जानकारी भी तुहाडे तक पहुँची होगी। सो उम्मीद करते हैं कि तुहानू यह पूरी जानकारी वधिया लगी होगी। इदां दीआं गतिविधियां देखण दे लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, शेयर करो ते लाइक भी करो। धन्नवाद। जय श्री राम। जय श्री हनुमान। रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन सुत हनुमान जी की जय।